हेलो गाइज, आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की भुजिया। अगर आपकी भी भिंडी की भुजिया चिपचिपी बनती है तो इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। तो मैंने सरसों का तेल डाला, उसमें जीरा का मैंने छौंक लगाया, फिर मैं तीखा के लिए हरी मिर्च का यूज़ किया है। आप जो मिर्च खाते हैं यूज कर सकते हैं। फिर मैं क्या करूँगी, इसमें लहसुन डाली हूँ छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया है। अब इन सबको ना गोल्डन ब्राउन होने तक का हम पका लेंगे। गाइस, इस तरीके से आप एक बार भिंडी की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं बनेंगे और एकदम अच्छे से क्रंची बनेंगे। देखिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम भिंडी को कट करके रखे हैं छोटे छोटे पीसेस में। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइज, इस बात का ध्यान रखिएगा ना कि जब भी हम सब्ज़ी डालते हैं भिंडी का, तो तुरंत हम लोग ढक देते हैं, लेकिन इसको ढकना नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ओपनली, मतलब बिना ढके ही ऐसे चलाना है और बिना नमक हल्दी डाले हैं। देखिए, जब 2 से 3 मिनट हो गया है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें नमक और हल्दी डालूँगी। इस तरीके से आप बनाइएगा ना, तो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी ये भिंडी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, चटपटी सी। और मैंने नमक डाल दिया और हल्दी डाल दिया बस, बाकी इसमें कोई मसाला नहीं डालूँगी मैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये बिना मसाले के ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। अब इसको क्या करेंगे कि हम मिक्स करके इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा भिंडी। देखिए गाइस, ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है, आपस में एक भी नहीं चिपका है, और इस तरीके से खिले खिले बने हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।